तो यहाँ पे लेपर्ड दिख जाते हैं रात को जब जाते हैं। अगर आप रात में जाएंगे तो बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। हाथी की मूवमेंट काफी ज्यादा है आजकल, और 2-3 दिन पहले उन्होंने गाड़ी पलटाई है यहाँ। बट यार मजा बहुत आ रहा है, बट मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ थोड़ा डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने एक तो आगे बोल दिया ना कि गाड़ी पलटाई है हाथियों ने। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। तो अभी हम आए थे और दोबारा निकल पड़े हैं क्योंकि अपना कुछ सीन सॉलिड सा हो गया। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि हम लोग जा रहे हैं अभी एक जंगल ड्राइव पर, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उसी के निकल रहे हैं। फटाफट चलते हैं और आपको दिखाता हूँ आज किलर नज़ारे। भाई गर्मी हो रही है ना, तो गाड़ी स्टार्ट कर रखी है रुचिर भाई ने भी, मैंने भी, और हम बाहर हैं गाड़ी के क्योंकि धूप ना एकदम डायरेक्ट यहाँ से पड़ रही है। और ये रिवर देखो यार, क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए नहीं। और जैसे मैंने बता रहा हूँ ना आपको कि हम अभी जंगल के नज़ारे लेने जा रहे हैं, और अपनी गाड़ी लेकर जो जंगल में जाने का फ़न है ना वो अलग ही लेवल है। तो हमारे को कोई भी जानवर दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, हाथी सब हैं। बट भाई तो मेरा ये बंद हो गया था। अच्छा ओए यहाँ पे भी चालू है। चीयर्स चीयर्स है भाई, चीयर्स है। मेरा नया व्लॉग है, आपका पुराना है? मेरा नया है। तो वेलकम बैक टू इनका चैनल जो है उस पर भी वेलकम बैक मैं करता हूँ, आप मेरे चैनल पे करो। तो फॉर अ चेंज पर जो भी व्यूअर्स हैं उनका भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सबकी तरफ से। और यू आर वॉचिंग माइल चेजर्स, मैं हूँ रुचिर, लव भाई का बहुत ही प्यारा सा दोस्त। ठीक है दोस्त भाई, मैं गड्डी लेके सीधा जा रहा हूँ गुड़गांव। प्रा हूँ बन गई गल दिल दे नेड़े प्रा। बट ये वाला जो हम कह रहे ना जगह पे हम जा रहे हैं, और रुचिर भाई की खोजी हुई जगह है, तो इनकी वजह से वाला व्लॉग बन रहा है भाई, वरना नहीं बनता। थैंक यू। चलो थैंक यू। यस चलो जी। यस तो भाई हम थोड़ा सा आगे आए हैं, अब रोड देख सकते हो एकदम कच्ची वाली, और यहाँ से हम घुमा के ना अब जाएंगे वापस की तरफ ताकि भैया पहले नमना कुछ खा लें। तो भाई निकलती बाहर के साथ वाली शॉप है, गन्ने का रस, मैगी वगैरह सब है। हमने पहले यहीं गाड़ी रोक दी ताकि यहीं से फटाफट बनवा लें मैगी और चाय, और उसके बाद आगे निकले अपना आराम से। यार पुल्स आ गई, पुल्स आ, पुल्स आ गई। भागो 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 भागो। अब मुझे हो रही है कंफ्यूजन कि मैं चाय पीऊं या मैं फ्रेश जूस पीऊं। गन्ने का रस कहते हैं उसको। अरे उसके पास मौसमी का जूस भी है, इसने जूस बोला है। मतलब तुझे डिसाइड करना है भाई। तीन ऑप्शन है, चाय, मौसमी का जूस या गन्ने का रस, और मेरा मन चाय और गन्ने का रस है, पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बनता बहुत दुविधा में, बहुत दुविधा। देखो मेरे हिसाब से आपको गन्ने का रस पीना चाहिए क्योंकि मैंने आपके व्लॉग्स में सुना है कि आपको गन्ने का रस पीने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। सही में। तो इसीलिए आपको मिल रहा है सामने, इसे घर के बाहर है गन्ने वाला रस बनाता है। मैं तो पर्सनल रेडी भी लगवा रखी है। अब से मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, अब से मैं द व्हाइट हाउस जाऊंगी, यू नो द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस का गन्ने का रस। भाई रिवील हो गया एड्रेस। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ व्लॉग में। अरे बिल्कुल योर जूस सर। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई वैसे। मैट्रिमोनियल शुरू कर देते हैं। व्लॉग का क्या मतलब? मैं वहाँ पे काम करता नहीं हूँ ना, गन्ने का जूस पीने का। मैं ऐसे आ गया आप लोग को देख। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नहीं 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 डालेंगे गन्ने का जूस। नहीं नहीं डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। डाल दें? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, गहरे डाल दो, रिश्ते आएंगे। कितना है? बढ़िया मसालेदार। मेरा नाम नीरज है, मैं एम्स में जॉब करता हूं, एम्स में। अच्छा, और नीरज भाई ने हमारे को बताया कि ये जो पीछे वाला रास्ता है ना, यहाँ पे अगर जैसे जाते हैं तो यहाँ पे दिख जाता है लेपर्ड वगैरह ना। अच्छा मेरी बात काट दी बीच में। अरे एम्स के है तो जान पहचान ना निकालू क्या? तो यहाँ पे लेपर्ड दिख जाता है रात को जो जाते हैं। अगर आप रात में जाएंगे तो बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। क्या बात है, ट्राई करें फिर। 100% गन्ने का जूस लेके चलेंगे। क्या बात है, ये चाहिए होती है भाई इस जगह पे आकर। जो मसाले वाली बनाई है ना, पता चल रहा है, टेस्ट मार लें। सबसे व्लॉग तो करने दो अपना अपना पहले। किलर। ओह पहाड़ों वाली मैगी। नहीं नहीं नहीं, ये जंगलों वाली मैगी है। जंगली मैगी। जंगली मैगी, वाइल्ड मैगी। भैया अपना नाम तो बताते जाओ। हिमांशु। हिमांशु भाई हैं, मतलब इतने प्यार से भैया ने। और भैया क्या मैगी बनाई है। तो कोई भी आ रहा ना तो जैसे ही आप आते हो ये पुल क्रॉस करती कोने में भैया की दुकान है, मैगी यहीं से खाओगे बस। बकरियों की
साइटिंग हो चुकी है तो एनिमल्स तो एनिमल्स ही हैं। एनिमल्स एनिमल्स से साइटिंग हुई है तभी बोल रहा हूँ मैं। दूसरी साइटिंग हो चुकी है अबे तेरी बात। पीछे जो साइटिंग हो रखी है ना। हेलो फ्रेंड्स, मीट माय न्यू फ्रेंड। इंटरेस्टेड ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है। खारिश करने का ज्यादा चार चढ़ रहा है तेरे को। बात नहीं करनी तेरे को मेरे से। हेलो भाई, वहाँ नदी बह रही है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ हमने मैगी खा ली और अब चलते हैं अंदर। हमारे को यहाँ से जाना है पीछे, अपनी फॉरेस्ट ड्राइव शुरू हो रही है अब। ये क्या हीरोइन बन रही है अपने आप को हैं। आ तेरे को उस टोल वाले ने क्या कह दिया, हीरोइन रानी हूँ यू नो। अरे हाँ, हीरोइन नहीं रानी। पिछला वाला व्लॉग देखना, वो टोल वाला ही छेड़ गया। छेड़ के नहीं गया था यार, मेरे सामने टोल वाला छेड़ गया। टोल वाला कह रहा है मेरे सामने, अरे रानी तो साथ बिठा रखी है। मुझे अंदर बैठने, रानी टैन हो रही है। चलो जी, यहाँ से हमारी है ना ऑफ रोड वाली चुल भी थोड़ी खत्म होगी, क्योंकि यहाँ से अपना ना जंगल ड्राइव शुरू हो रही है। और देखते हैं क्या सब है यार हमारे लक में। मैं ये सोच के नहीं जा रहा कि हमारे को जानवर वगैरह ज्यादा दिखेंगे, बट मुझे सिर्फ एक ड्राइव एंजॉय करनी है। और अगर यार देखो, अभी भी हमारा यही वाला सीन है कि पूरा अंदर जा रहे हैं। और ना एक बात बताऊंगा तो इस तरह फॉरेस्ट है, आगे भी फॉरेस्ट है, बट यहाँ पे ना ऐसे गांव वाला पार्ट भी आता है छोटा छोटा। तो ये गांव और फॉरेस्ट आपको पता ही है साथ रहते हैं, क्योंकि ये बफर जोन है। इट्स नॉट लाइक कि आप एकदम कोर एरिया में आ गए हो यहाँ पर, बट रात को और अर्ली मॉर्निंग यहाँ ना काफ़ी मूवमेंट रहती है। तो ये जंगल का ही पार्ट है, तो इसको कंसिडर वैसे ही करना यार। मतलब ये नहीं कि उतर के यहाँ जंगलों में अंदर चले जाओ, ये मत करना बस। बाकी तो भाई इंजॉय करो, और कुछ चीज़ें मत फेंकना अंदर, कोई खाने पीने के लेके जाओ ना प्लीज़, ये मत करा करो कि कभी भी कोई चीज़ें जो साथ लेके जाओ उन्हें साथ बाहर लेकर आओ। तो यहाँ पे भैया चेक कर रहे हैं कुछ जो भी गार्ड हैं, क्योंकि आगे शायद फॉरेस्ट एरिया प्रॉपर शुरू हो रहा है। तो मैं रुचिर से पूछूंगा क्या हुआ, मुझे पता नहीं कोई टिकट है या क्या है, या जनरल बस जानकारी ले रहे हैं अंदर जाने की। तो भाई वही उनसे थोड़ी बातचीत करनी थी, तो जब आओगे तो आपको एक बार रोक के थोड़ी बातचीत करेंगे, पूछेंगे मतलब क्या सीन है कैसे है, तो इनसे एक बार बात कर लेना। और परमिशन देंगे अगर ये आपको, तो ही आप अंदर जा सकते हो। हमने थोड़ी बातचीत करके अच्छे से परमिशन उनसे ले ली। तो अब हम एक्चुअली प्रॉपर फॉरेस्ट में आ गए हैं यार। तो यहाँ के जैसे है ना बाहर रूल्स लिखे हो, पढ़ के आना, उतरना ज़्यादा मत इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग भी रह रहे थे ना उनके घर पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी थी और वो तब रह रहे हैं। तो यहाँ पे घूमने मत लग जाना, अगर अपनी व्हीकल अंदर जाती है ना और कुछ कहीं भी एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए और उसी चक्कर में फिर बंद हो जाता है। क्या बात है ये तारीस ने अंदर अपनी पहली बार वाटर क्रॉसिंग। यार जंगल ना काफ़ी घना हो रखा है इस टाइम पर, जैसे मैंने बोला ना उसी टाइम छिला हुआ आ गया। बेइज्जती तो मेरी हर कोई कर जाता है ऐसे, बट बहुत अच्छा लग रहा है अंदर। नहीं अलग ही फील है अपनी गाड़ी से जो आए हैं। यही तो यार, अपनी गाड़ी लाने की एक अलग ही फील है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सफारी में घूमते हैं वैसे घूम रहे हैं, पता नहीं कब कोई टाइगर या लेपर्ड की साइटिंग हो जाएगी, ऐसी फील आ रही है। और ये ना टाइम भी क्योंकि भी वैसा ही हो रहा है ना, 6:30 होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और इस टाइम पे तगड़ी मूवमेंट हो सकती है। बट धूप है अभी तो मुश्किल है, थोड़ी धूप जाएगी ना जब हम वापस आ रहे होंगे तब थोड़ा ज्यादा चांस बन सकता है। देखो तुम ड्राइवर ऑलरेडी बने हुए हो, मैं गाइड बन जाती हूँ, तो आज साइटिंग करके ही जाएंगे। तेरे जैसे गाइड हो तो यहाँ पे बस हो गया काम। अरे दिख जाएगा, देख लेना। और ये रिवर बेड है यार, अगर यहाँ पे मानसून के टाइम पे तो प्रॉपर पानी आ जाता होगा, बट अभी सूखा पड़ा हुआ है, बट यहाँ भी चलाने का अलग फन है। भाई अभी अभी फॉरेस्ट गार्ड की ना गाड़ी आई हमारे साथ में, उन्होंने रुक के बोला कि यार अंधेरा हो रहा है, तो या तो आप अभी गाड़ी घुमा लो या फिर अंदर आगे जाके कैंप्स आते हैं वहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि हाथी की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है आजकल और 2-3 दिन पहले उन्होंने गाड़ी पलटाई है यहाँ, तो रिस्क तो रहता है यार, अंधेरा होने से पहले निकलना है। और यार अभी हम एकदम ना घने वाले पार्ट में आ गए हैं, टेढ़ी चल रही है गाड़ी, तो इसलिए आपको बोनट ऐसा दिख रहा होगा, बट यार मज़ा बहुत आ रहा है। बट मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने एक तो आगे बोल दिया ना कि गाड़ी पलटाई है हाथियों ने,
तब से थोड़ा दुख दुख है, बट देन रुचिर भाई आगे तक गए हुए हैं एक बार, इसीलिए हम आगे तक पूरा जा रहे हैं और अब जल्द से जल्द ना थोड़ा कोशिश करके बाहर निकलेंगे यार हम भी। तो भाई गाड़ी हमने वापस घुमा ली है यहीं से, वैसे हम जा सकते थे आगे तक, फॉरेस्ट ऑफिशियल की गाड़ी भी आई थी, उन्होंने कहा चले जाओ, बट हमने कहा रिस्क नहीं लेना यार, निकलते हैं। और ये देखो कहाँ मिलेगा सिटी में ऐसा व्यू, या बाहर भी इनफैक्ट हाईवे पे कहीं पर भी, ये सिर्फ जंगल में मिल सकता है यार। दिस इज सो ब्यूटीफुल। भाई रुचिर भाई देखो गाड़ी कहाँ उतारी हुई है। मैंने कहा मैं रोड में नहीं चलाऊंगा, रोड तो वैसे भी नहीं है। रोड तो है नहीं, ये इसुज़ू लेकर ना ये जो कांड हो रहे हैं। बंदे ने देखो सामने क्या हो रखा है, कहाँ चला रहे है गाड़ी, इसने वहां पर भी कर रहा था, हम स्पीति में थे। गाड़ी इसी में चलेगी। अबे यार ये इसुज़ू के साथ ये तो पॉसिबल है, हम ये नहीं कर सकते, हमारी 4x4 नहीं है, कर सकते हैं, बट आई वांट टेक द रिस्क, वो वाला सीन है, बट क्या प्यारी लग रही है सुजू वहाँ पर। आ गए रुचिर भाई बाहर, भाई 4x4 है वो भी सुजू, यहाँ नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। अंधेरा होता जा रहा है, बट वी आर ऑलमोस्ट आउट, तो ये मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि हम ना अंधेरा होने होने में आ गए हैं। पानी की आवाज़ आ रही है ना, बॉटल में से आ रही है। नहीं नहीं नहीं, पेड़ों के पत्ते की आवाज़ है, बहुत प्यारी बाहर हो रही है जो। तो यार वही मैं कह रहा हूँ, जब आप लोग भी यहाँ पर आओ ना, ऐसे अंदर जाकर रुक जाओ कैंप्स हैं जो एंड में जाकर, या फिर यार टाइम पे ना बाहर आ जाओ अंधेरा होने से पहले पहले, क्योंकि यार हाथी वाला चक्कर होगा यहाँ पे कोई, और फिर पंगा हो और अगली बार ये रूट बंद कर दिया जाए ना, क्या फ़ायदा है। इसलिए जो रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो करो।